बैक बेंच स्टूडेंट। एक कॉलेज में एक स्टूडेंट के पिता, ये क्या है प्रिंसिपल साहब, मेरा बेटा पास ही नहीं हो रहा है, 4 साल से डिग्री फर्स्ट ईयर में ही बैठा हुआ है, ऐसा ही रहा तो जब वो डिग्री पास हो जाएगा तब उसकी उम्र 70 साल की होगी। वैसे हो क्या रहा है? क्या बताऊं सर, उस ग्रुप फोटो को देखिए, 1995 तक सारे बैच अच्छे थे, 1996 में देखिए ये गुलाब सिंह ज्वाइन हुआ, तब से हर साल के ग्रुप फोटो में वो है, देखिए ये देखिए 2020 के ग्रुप फोटो में भी है। हम भी यही आस लगाए बैठे हैं सर कि कब ये पास होगा और कब ये कॉलेज छोड़कर जाएगा। उससे छुटकारा पाने के लिए हमने हर किस्म की पूजा की और कई देवी देवता को मन्नत भी मांगी। जब तक वो होगा इस कॉलेज में आपका बेटा तो क्या कोई भी पास नहीं होगा। गुलाब सिंह कॉलेज में एक हाथ में किताब और एक हाथ में तकिया लेकर प्रवेश कर रहा था। वो क्लासरूम में आकर खड़ा हो गया, सब स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। क्यों, नया बैच है क्या? लगता है तुम लोग मेरे बारे में नहीं जानते, मैं इस कॉलेज का सीनियर मोस्ट स्टूडेंट हूँ। इस कॉलेज के लेक्चरर्स सारे मेरे क्लासमेट या मेरे जूनियर्स हैं, वे भी मुझे गुड मॉर्निंग किए बिना क्लास शुरू नहीं करते, इसीलिए आपसे हर रोज जब भी मैं क्लास में एंटर करूं तुम लोग खड़े होकर मुझे गुड मॉर्निंग करना होगा, समझे? वो सब खड़े होकर गुड मॉर्निंग सर। वो बैक बेंच में जाकर, अरे उठो, बैक बेंच मैंने लाइफ टाइम के लिए रिजर्व कर रखा है, इस पर मेरे अलावा और कोई नहीं बैठ सकता। गुलाब सिंह ने तकिए को साइड में रखकर बेंच पर बैठा। तभी एक लेक्चरर क्लास में आया, गुलाब सिंह उसे देखकर, अरे चाचा संपत, तू भी इसी कॉलेज में आ गया है क्या? फिर स्टूडेंट से, जानते हो ये मुझसे नकल कर पास हुआ है। ये क्या, अब तक ये इसी क्लास में बैठा है? इसे देखकर नकल करने के लिए ये कुछ लिखे तभी ना, निकम्मा। बाद में संपत, स्टूडेंट्स मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जो उसका जवाब जानता हो बताए। मान लो शताब्दी एक्सप्रेस घंटे में 160 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है, मुंबई से अहमदाबाद की दूरी 400 किलोमीटर की है, वो मुंबई से सवेरे 6:30 बजे को चलती है, अहमदाबाद कितने बजे पहुंचेगी? तुरंत गुलाब सिंह, बस यही, अरे एक मिनट ठहरो मैं अभी बताता हूँ, कहकर उसने फोन निकाला। हेलो रेलवे इंक्वायरी, क्या आप बता सकते हैं कि शताब्दी एक्सप्रेस अहमदाबाद कितने बजे पहुंचेगी? हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ओ ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू, कहकर उसने फोन रखा। गुलाब सिंह संपत से, अरे वो 2 घंटे लेट चल रही है, 2:45 को ही अहमदाबाद पहुंचेगी। वैसे ये कैसा सवाल है, स्टूडेंट्स कोई रेलवे में काम कर रहे हैं क्या? हर एक लेक्चरर की नौकरी के लिए आ जाते हैं, जनरल नॉलेज रत्ती भर भी नहीं है। सारे स्टूडेंट्स हंसने लगे, इसीलिए तू अब तक यहीं पड़ा है, तू इस जन्म में नहीं सुधरने वाला। इसकी बकवास मैं और नहीं सुन सकता, मैं सो रहा हूँ, क्लास खत्म होने पर मुझे उठा देना। अरे क्लास को धीरे से पढ़ाना, मेरी नींद खराब नहीं होनी चाहिए, कहकर बेंच पर तकिया लगाकर सो गया। संपत ने अपना सिर पकड़ लिया। एक और दिन प्रिंसिपल क्लास ले रहा था। अरे फिल्म का टाइम हो रहा है, प्रिंसिपल क्लास ले रहा है, कैसे जाऊं, किसी तरह निकलना होगा, यूं सोचकर उठकर सीधा प्रिंसिपल के पास गया। क्या है? सर आज मैं क्लास देर से आया सर, आप पूछेंगे नहीं क्यों? क्यों? ना ध्यान से सुनिए सर, मैं सवेरे घर के बाहर आया, यूं स्कूटर पर चढ़ा, चढ़कर करके स्टार्ट किया, वो बहुत देर के बाद स्टार्ट हुआ सर, मैं करके जाने ही वाला था कि एक आवाज सुनाई दी, कहकर वहाँ बैठे एक लड़के को उसने आंख मारी तो वो स्टूडेंट खड़ा होकर, वो आवाज मेरी थी सर, मैंने कहा अरे मैं भी कॉलेज ही जा रहा हूँ, मुझे ड्रॉप कर देना, कहकर मैं पीछे बैठा और वो जाकर उसके पीछे खड़ा हो गया, तब यूं करते हुए कॉलेज आ गया सर, कहते हुए वो क्लास के बाहर चले गए। दूसरा उठकर, सर वो मेरा स्कूटर है सर, तो देख क्या रहे हो, जाकर उसे पकड़ो, वो भी क्लास के बाहर दौड़ा। प्रिंसिपल दरवाजे पर खड़ा उनका राह देखने लगा। वे अब नहीं आएंगे सर, उन्होंने आपको उल्लू बनाया। प्रिंसिपल दंग रह गया, प्रिंसिपल समझ गया कि कुछ करना चाहिए और इसीलिए महेंद्र सिंह नाम के पुलिस ऑफिसर को गेस्ट लेक्चरर के रूप में रखा। जब महेंद्र सिंह क्लास में आया तो गुलाब सिंह, कजरा रे तेरे कारे कारे नैना, कजरा रे
कहकर नाच रहा था। सभी ताली बजा रहे थे। महेंद्र सिंह आकर, क्यों रे कजरा रे, कहकर उसे लाठी से मारा। बाद में महेंद्र सिंह स्टूडेंट से, देखो मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, तुम जैसे निकम्मों को सीधा करने के लिए ही मैं लेक्चरर बन के आया हूँ। क्यों रे गुलाब सिंह, तू तो निकम्मा है ही, सबको निकम्मा बनाएगा, अब तू मेरे हाथों मरेगा। एक दिन महेंद्र क्लास में सिगरेट की बू आ रही है, कोई सिगरेट पी कर आया है, वो कौन है सच सच बता दो। सब, मैं नहीं हूँ सर, मैं नहीं हूँ सर, कहने लगे। महेंद्र सिंह ने गुलाब सिंह की ओर देखा, अरे मैं तो दूध भी नहीं पीता, सिगरेट तो दूर की बात है सर। ठीक है, ये 50 रुपए लो और एक सिगरेट के पैकेट ले आओ। आप कौन सी दुनिया में हैं सर, 1990 में एक पैकेट 50 रुपए का मिलता था, अब तो 150 रुपए का है सर, दीजिए लेके आता हूँ। महेंद्र ने उसके दोनों गालों पर धवाधप थप्पड़ मारे। क्यों रे, 1990 में सिगरेट का दाम क्या था ये जानता है, पर पीता नहीं है, है? कहकर उसे मारने लगा। एक दिन महेंद्र ने सबको इंग्लिश का टेस्ट रखा। गुलाब सिंह लिख रहा था, महेंद्र ने आकर उसका पेपर लिया और, ये क्या, फुल स्टॉप कॉमा फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क। अब कॉमा और फुल स्टॉप के बीच में कोई मैटर कहाँ है, वो क्या मैं आकर लिखूंगा। सर मेरे पास टाइम नहीं था, मैं इतना ही पढ़ पाया सर। महेंद्र ने उसे जमीन पर पटक कर खूब मारा। उसे उठाकर, बच्चू अगर इस बार तू पास नहीं हुआ ना तो रिजल्ट आने वाला दिन ही तेरा आखिरी दिन होगा, याद रखना। गुलाब सिंह महेंद्र के डर से अच्छी तरह पढ़कर पास हो गया। प्रिंसिपल ने उसे हार पहनाया और उसका सत्कार किया, महेंद्र सिंह को प्रणाम किया।